वही व्हाट्सएप पे मैसेज तो सभी लोग को करते हैं, फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, नॉर्मल से ही करते हैं। स्टाइल में रहो जी, स्टाइल में मैसेज करो जी, एज ए टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जी। आप तो जरूर व्हाट्सएप यूज करते होंगे, तो व्हाट्सएप में कुछ ऐसा ट्रिक्स जिसका मतलब पढ़ते यूज, तब व्हाट्सएप को आप चला सकते हो और भी स्मार्ट, इजी, कूल और सिक्योर तरीके से। तो चलिए पहले ट्रिक्स की तरफ से शुरू करते हैं। तो पहला ट्रिक्स है व्हाट्सएप में राइटिंग स्टाइल चेंज ट्रिक्स। अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो तो नॉर्मल चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसको कैसे इटैलिक में, बोल्ड में और बहुत सारे स्टाइल में कैसे चेंज किया जाए उसके बारे में होने वाला है हमारा पहला ट्रिक्स। तो वीडियो को दिल को स्किप मत करना, बहुत सारी चीज आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो देखिए मेरा फ्रेंड ने मुझे मैसेज कर दिया व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका रिप्लाई बोल्ड में देने के लिए मैं यूज करता हूँ जो स्टार जो एस्ट्रिक सिंबल है उसको यूज करना चाहिए। तो उसको यूज करने के बाद आपको जो भी सेंटेंस या फिर वर्ड से उसको लिख देना है, फिर से वही स्टार और एस्ट्रिक सिंबल को यूज करना है। तो मैंने स्टार लिख दिया, तो लिख दिया कि जस्ट एंजॉयिंग आईपीएल, फिर से स्टार से इस्तेमाल कर दिया। आप इसको सेंड कर देते हो तो अभी देख सकते हो कि बोल्ड में ये सेंड हो चुका है। अगर आप किसी सेंटेंस को या फिर वर्ड को आप इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको सिंपली अंडर डैश जो सिंबल है उसको यूज करना चाहिए। तो मैंने लिख देता हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, तो उसको मैं पूछ सकता हूँ। तो अंडर डैश दे दिया, आप लिख देते व्हाट आर यू डूइंग, तो उसके बाद फिर से अंडर डैश दीजिए, तो देखिए ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जस्ट सेंड कर देते हो तो उसकी उसको ये इटैलिक में ही रिसीव हो जाएगा। आप जिस पर लिखोगे या फिर बोल्ड पर या फिर इटैलिक पर उसी पर उसको भी रिसीव होगा, तो ये मैसेज उसको इटैलिक में ही रिसीव होगा। तो आप देख सकते हो कि इस पे लाइन की जो ट्रिक्स है उसको कैसे यूज करना है। तब जो भी मैसेज करते हो उसके ऊपर एक लाइन आ जाता है, तो उसको लाइन आने के लिए जो ट्रिक्स यूज करना चाहिए उसके टिंडल जो सिंबल है उसको यूज करना चाहिए, जो एप्रोक्सिमेट सिंबल होता है। तो मैं लिख देता हूं जो टिंडल सिंबल, फिर से लिख देता हूं ओ नो, आप फिर से टिंडल सिंबल के उसको, तो देखिए इसके ऊपर एक लाइन आ गया। आप जस्ट इसको सेंड कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि ये लाइन के साथ जो वर्ड है उसको सेंड हो चुका है। आप मिक्सिंग की बात करते हैं, आप एक साथ बोल्ड और इटैलिक को मिक्सिंग भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक वो स्टार और अंडर डैश जो सिंबल है दोनों को एक साथ यूज करना है। तो आप देख सकते हो कि उसने मुझसे पूछा था कि कैसे किया, तो उसको मैंने रिप्लाई दिया कि स्टाइल से। तो स्टाइल से रिप्लाई देने के मैंने स्टार इस्तेमाल कर दिया, फिर से दिया अंडर डैश, फिर से लिख दिया तो स्टाइल से लिख दिया। अब स्टाइल से लिख देने के बाद फिर से अंडर डैश देना है, उसके बाद आपको एस्ट्रिक जो सिंबल है उसको देना है, क्योंकि आप जिस तरह से शुरू करोगे उसी तरीके से आपको एंड करना पड़ेगा। तब देख सकते हो कि बोल्ड और इटैलिक में एक साथ ये कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर बोल्ड और लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा स्टार और टिंडल सिंबल को एक साथ। तो मैं यूज कर लेता हूँ कि स्टार सिंबल दे दिया, उसके बाद टिंडल सिंबल दे दिया, उसके बाद देखते रहता हूँ कि फॉलो ए जे टेक्निकल, तो मैंने इसको लिख देता हूँ। तो लिख देने के बाद फिर से आपको टिंडल सिंबल उसके बाद स्टार सिंबल यूज करना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि बोल्ड लाइन में ये कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह आप जो भी स्टाइल है उसकी तरह आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से मिक्सिंग कर सकते हो। आप किसी सेंटेंस के बीच के किसी भी वर्ड को भी सिलेक्ट करके इसी तरह चेंज कर सकते हो। जैसे गुड इवनिंग को मैं स्टाइल में लिख देता हूँ, जैसे गुड को लिख दिया नॉर्मल तरीके से, लेकिन जो इवनिंग वर्ड है उसको मैं तीन स्टाइल को एक साथ इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। तो इवनिंग वर्ड को शुरू होने से पहले मैं पहले देता हूँ कि टिंडल सिंबल, उसके बाद देता हूँ कि हमारा फेवरेट जो अंडर डैश सिंबल है, उसके बाद देता हूँ स्टार सिंबल, अब लिख देता हूँ कि इवनिंग। तो इवनिंग लिख देने के बाद फिर से आपको देना है पहले स्टार, फिर से अंडर डैश, फिर से टिंडल सिंबल। देखिए इवनिंग जो वर्ड है वो इटैलिक में, बोल्ड में, लाइन पे, तीनों के तीनों ट्रिक्स एक साथ इस्तेमाल हो गया। तो आप इसको सेंड करते थे तो आप देखिए कि कितना बढ़िया तरीके से सेंड हो जाते। तो आप अपनी तरफ से इसी तरीके का जो सिंबल है उसको यूज कर सकते हैं। तो यही था हमारा पहला ट्रिक। तो आप बात करते हैं ट्रिक्स नंबर टू। तो ट्रिक्स नंबर टू है, आप किसी को अगर मैसेज करते हो तो वो मैसेज उसने कब रिसीव किया और कब उसने उस मैसेज को रीड किया वो आप जान सकते हो इस ट्रिक्स को इस्तेमाल करके। तो आपने किसी भी सेंड किए हुए मैसेज को आपको सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट्स दिख रहे हैं उस पर टैप कर देना है, उस पर टैप करने के बाद आपको इन्फो में जाना है, तो आप देख सकते हो तो वो मैसेज उसको कब डिलीवर हुआ और कब उसने इस मैसेज को रीड किया वो आप जान सकते हो। तो यही था हमारा ट्रिक्स नंबर टू। तो आप बात करते हैं ट्रिक्स नंबर थ्री की। तो ट्रिक्स नंबर थ्री को अगर इस्तेमाल करते हो तो आप बना सकते हो अपने व्हाट्सएप को और भी सिक्योर और भी सेफ। तो इसमें आपको व्हाट्सएप का एक पिन सेट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाने के बाद ऊपर में थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है।
तो सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको अकाउंट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अकाउंट का ऑप्शन आप क्लिक कर देते हो तो उसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन का, तो आपको सिंपली टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पर दिखा जाता है कि आपको एक पिन सेट करना पड़ेगा 3 डिजिट का। तो अब आपका ये व्हाट्सएप अगर आप फिर से रजिस्टर करते हो तो आपको ये पिन देना पड़ेगा व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए। तो आपको सिंपली इनेबल पे क्लिक कर देना पड़ेगा। इनेबल पे क्लिक कर देने के बाद आपको 6 डिजिट का एक पिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 का पिन सिलेक्ट कर लेता हूँ तो सिंपली आपको दिखाने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पे फिर से आपको कॉन्फर्म पिन देना पड़ेगा, वही सेम पिन। उसके बाद आपको देना पड़ेगा अपना एक ईमेल आईडी, जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। क्योंकि अगर आप पिन को किसी भी तरीके से भूल जाते हो, अगर भूल जाते हो पिन को, तब आप उस ईमेल आईडी के यूज करके अपने व्हाट्सएप को रिकवर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप को और भी सिक्योर बना सकते हो। तो मुझको पिन नहीं देना गया तो मैंने सिंपली ब्लैक कर दिया। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। अगर इस ट्रिक को आप यूज करते हो तो आप जान सकते हो किसने आपको ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया है। देखिए डीपी अगर नहीं दिख रहा है या फिर अबाउट और स्टेटस नहीं दिख रहा है तो ये भी हो सकता है कि उसने सब कुछ ऑनली भी करके रखा है तभी आपको नहीं दिख रहा है, या फिर ये भी हो सकता है उसने ऑफलाइन रहा इसलिए दिख नहीं रहा है, आपका मैसेज को डबल टिक नहीं आ रहा है। लेकिन आप एक सिंपल स्टेप को इस्तेमाल कर सकते हो जिसके सहारे आप जान सकते हो उसने आपको ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया है। तो आपको सिंपली एक ग्रुप क्रिएट करना चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया था ये जो अभिनव है इसने मुझको ब्लॉक करके रखा है, मुझको ये लगता है कि सच में ब्लॉक करके रखा है, ये जानने के लिए मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। तो न्यू ग्रुप क्रिएट करने के बाद जिस कॉन्टेक्टर ने सोच रहा था कि इसने उनको ब्लॉक कर लिया उस कॉन्टेक्टर को सिलेक्ट करना है। तो मैंने अभिनव को सिलेक्ट कर लिया और एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया अभिजीत मैथी को। तो सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप का कुछ भी नाम दे देता हूँ, एबीसी नाम दे देता हूँ। तो देने के बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको दिख जाता है कि कुड नॉट ऐड अभिनव भी दिख रहा है। तो न्यू ग्रुप पे जाने के बाद आपको अगर इन्फो पे जाओगे तो भी आपको दिखाई देगा कि अभिनव नहीं है, मैं और अभिजीत भी हूँ। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि अभिनव मुझको ब्लॉक कर दिया, मुझको पता चल गया है। तो इसी तरह आप जान सकते हो किसने आपको ब्लॉक किया है या फिर नहीं किया। बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। ट्रिक नंबर 5 को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपने नंबर को अगर चेंज भी करते हो व्हाट्सएप में तो आप उसी भी ग्रुप में उसी भी कॉन्टेक्ट के साथ जुड़े रह सकते हो। तो आपको सिंपली व्हाट्सएप पे जाना है। तो व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको अकाउंट पे जाना है। तो अकाउंट पे जाने के बाद आपको दिख जाता है कि ऑप्शन चेंज योर नंबर, तो उस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है कि आपका जो न्यू नंबर है उसको पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको जस्ट इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको जो पुराना नंबर है उसको पहले जाना है, फिर से आपको नया नंबर देना है। तो अगर आप इस पे ओके कर दोगे तो आपका पूरा नंबर पे एक ओटीपी आएगा और नया नंबर पे भी ओटीपी आएगा। अगर वो ओटीपी इसके साथ हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो नया नंबर है वो सभी के सभी ग्रुप्स के साथ फिर से ऐड हो जाएगा और सभी के सभी फ्रेंड्स को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका नंबर चेंज हो चुका है। तो आप इसी चीज को इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप अगर नंबर भी चेंज करते हो व्हाट्सएप में तो आपके फ्रेंड्स के साथ आपके फैमिली के साथ कोई भी कम्युनिकेशन का गैप तैयारी ना हो। तो आप इस चीज को जरूर इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। मैंने ही आपको बताया कि आप किसी का मैसेज अगर इन्फो में जाओगे तो कब उसने डिलीवर किया मैसेज को, कब उसने रीड किया, सभी का सभी पता चल जाता है। लेकिन आप अगर सेटिंग्स पर जाते हैं वहां पे जाने के बाद अकाउंट पे जाने के बाद आपको प्राइवेसी पे जो रीड रिसीव कर जो ऑप्शन आ जाता है उसका आप डिसेबल कर देते हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा आप उसका मैसेज कब ने रीड किया और आपको भी पता नहीं चलेगा कब आपका मैसेज किसी ने और ने रीड किया। तो अगर आप रीड रिसीव को ऑफ करके रखते हो तो आपका ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा। तो आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से। अब बात करते हैं बोनस ट्रिक्स की। तो बोनस ट्रिक्स ये है कि आप व्हाट्सएप में किसी भी लेटर का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो उसके यूज करने के लिए आपको सिंपली कोटेशन का जो सिंबल है उसको 3 बार इस्तेमाल करना है, उसके बाद कुछ भी वर्ड लिख देना है। जैसे मैंने लव यू लिख दिया तो लव यू लिख देने के बाद फिर से ये कोटेशन का सिंबल 3 बार इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हो कि इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। अगर मैं इसी की वर्ड को या फिर सेंटेंस को नॉर्मली लिखते हो तो ये नॉर्मली इस तरह से दिख जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फॉन्ट चेंज करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ कमाल के ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्माइल करते रहना, गुड बाय। और इन्हें चैनल को जरूर फॉलो करना। Hello.